आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। मोतियाबिंद कैंप में जाने के लिए शाम 5 बजे तक करते रहे इंतजार। वाहन का इंतजाम नहीं होने से वृद्धों को करना पड़ा इंतजार। सनावद नगर के सिविल अस्पताल में मोतियाबिंद के इंदौर में होने वाले ऑपरेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिकों को एकत्र किया जाता है। वहीं ये कार्य कई समय से चल रहा है, लेकिन सोमवार को नगर के सिविल अस्पताल में करीब 50 से अधिक वृद्ध इस बात का इंतजार करते रहे कि इंदौर से चौथराम अस्पताल का वाहन आएगा और हमें लेकर जाएगा, लेकिन शाम 5 बजे तक संबंध में कोई ठोस निराकरण नहीं निकल पाया। वहीं मीडिया कर्मियों के अस्पताल जाने के बाद अस्पताल के प्रबंधक जागे और मरीजों को लेकर जाने वाले वाहन की व्यवस्था की। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र के अलग अलग गांव से करीब 50 से अधिक ग्रामीण सिविल अस्पताल आए थे, जहां इन सभी को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने इंदौर टी चौथराम अस्पताल भेजना था, लेकिन सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, इन्हें लाने ले जाने का कोई इंतजाम अस्पताल में नहीं दिखा। वहीं इनमें से कुछ लोगों ने इस बात की सूचना स्थानीय मीडिया कर्मियों को दी। जब मीडिया कर्मियों ने वहां जाकर वस्तुस्थिति का पता लगाया तो मालूम हुआ कि अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई। अस्पताल के दृष्टि मितज्ञ सुनील राठौर ने बताया कि अधिक मरीजों के आ जाने से ये समस्या उत्पन्न हुई। वहीं 50 मरीजों को शिफ्ट को लेकर 1 बजे भेज दिया गया था और अन्य वाहन खराब होने से अतिरिक्त वाहन को वापस इंदौर से बुलवाया गया, जिसके बाद शाम 6 बजे सभी वृद्धों को ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया। इन सभी का रविवार को ऑपरेशन होने के साथ उपचार किया जाएगा। राठौर ने बताया ऑपरेशन में करीब 150 से अधिक मरीज आए हैं, लेकिन मोतियाबिंद वाले मरीजों का चयन कर ऑपरेशन के लिए भेजा जा रहा है। वहीं बेड़िया ढकलगांव क्षेत्र से ग्रामीणों ने बताया कि अस्पताल में इस संबंध में कोई जानकारी देने वाला जवाबदार था ही नहीं, ना ही अस्पताल में भोजन या अन्य कोई व्यवस्था इन बुजुर्गों के लिए की गई। ग्रामीणों ने आगे से स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसे आयोजनों के लिए माकूल इंतजाम करने की बात कही। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। कब से आए हुए? सुबह 11 बजे। क्या टाइम हो रहा है अभी? अभी 5:30। क्या वाहन आया नहीं क्या? अभी आ रहा है, चलर तक आ गया है। क्या बोला था तो अभी तक क्यों नहीं आया? अभी वो गाड़ी खराब होने के कारण नहीं आया। अस्पताल से कोई मिलने आया था तुमसे? नहीं, कोई नहीं आया। कोई आया मिलने अस्पताल से? जो मरीज आए उनके लिए खाना वाना कुछ व्यवस्था करी यहाँ किसी ने? कहाँ से आए हो तुम? कितने मरीज होंगे यहाँ पे अंदाजन? सर एक्चुअली क्या सही लक्ष्य सनात में नेत्र शिविर था और 50-60 लोगों की आने की संभावना थी, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए जनसंख्या ज़्यादा हो गई है। अब चूंकि मैंने वहाँ प्रबंधन से बात करी कि 2 गाड़ी लगेगी, लेकिन उनकी एक गाड़ी ख़राब होने की वजह से एक ही गाड़ी आई, और एक गाड़ी क्या हुआ कि यहाँ से 1-1.5 बजे मरीजों को लेके गई, वो गाड़ी उन्होंने 4 बजे तक वहाँ तक छोड़ा और वही गाड़ी वापस आ रही है 6:30-7 बजे तक, बाकी लोगों को भी लेके जाएगी, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज कितने मरीज आए? आज लगभग 200 मरीज आए थे, जिसमें से 102 मोतियाबिंद के मरीज मिले और जिनको अपन टी चौथराम में निःशुल्क ऑपरेशन कराने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें से 55 चले गए और 50-55 और बाकी है जिन्हें गाड़ी लेने आ रही है, वो भी उनका भी उनको पहुँचा देंगे, उनका भी ऑपरेशन निःशुल्क हो जाएगा।